कौन सा वाला है? पार्टी वाला? ओके सॉरी, वापस करते हैं। जी वजह है 27 लाख। मतलब एक्चुअली सचिन तो तेजस के साथ डील कर रहा है और उस फ्रस्ट्रेशन में तेजस का गला पकड़ के वो घर के अंदर बोलता है कि अबे तेरे को मालूम भी है कि क्या किया था ये आदमी ने, इससे शादी के लिए हाँ बोला था तूने, मतलब इससे बाबा से 27 लाख रुपया रकम फिक्स किया था तेरे शादी करने के लिए, पैसा लेके भाग गया और तू मेरे गले पड़ गई, तो जब तू मेरे गले पड़ गई है तो मेरे को पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। और अपने लिए पैसा नहीं मांग रहा है वो पैसा मांग रहा है बाबा के लिए कि वो 27 लाख लेके मैं बाबा को देगा, बाबा ज़िंदगी जिएगा। तो जो भी है बाकी चीज़ें उसके लिए ब्लर हो गई ना, उसके लिए तो ये हो गया कि भाई मतलब क्या बोल रहा है ये मेरे को कि मेरी रकम फिक्स हुई है, तो बोल कुछ और रहा होता है, बोल कुछ और जाता है एक्स्ट्रा। तो ऑफकोर्स आत्मसम्मान एक सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण आई फील कि जस्ट बिकॉज मुझे भी ऐसा फील होता है, आई फील कि जस्ट बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली, इट डजेंट मीन कि कोई भी ऐसे यू नो दे कैन पुट फिंगर ऑन माई कैरेक्टर इन दैट वे कि इसकी रकम लगा सकते और इसकी शादी किसी से भी करवा सकते। तो फर्स्ट प्लेस पे तेजस की जगह पर सचिन से शादी हुई। सेकेंड थिंग ये थी कि सचिन भी बार बार मुझे, ऑब्वियसली इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बट ये जो बार बार मुझे बोलते रहते हैं कि यू नो मेरे माथे पे तू पड़ी है, मेरे सर का बोझ है, सो आई समवेयर फील बैड अबाउट इट कि ये बार बार एक ही चीज़ क्यों बोलते, अगर नहीं करनी थी तो ही कुड हैव आल्सो लेफ्ट ना फ्रॉम बाबा के लिए ना। हाँ तो बट वही एक वो जो मुझे काउंटर पूछते रहते हैं बार बार कि तू चली जाती छोड़ देती, तो मेरा भी यही क्वेश्चन है जो आज तक मैंने कभी पूछा नहीं उन्हें। बट आगे के सीन में आपको ये भी देखने मिलेगा कि आई एम क्वेश्चनिंग सचिन ऑल्सो कि यू कुड हैव लेफ्ट, तू भी निकल सकता था शादी से, तू बार बार मुझे ही क्यों बोल रहा है। एंड अनदर थिंग यही थी कि 27 लाख की जो मुझे पता चला, परेश अंकल के लिए भी मुझे बहुत गुस्सा है कि मैंने लास्ट पर्सन एक्सपेक्ट किया था वो परेश अंकल हो गए कि ये सब चीज़ करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें एक लड़की गो थ्रू कर रही है यहाँ पर जो सायरी हमारी है, और आई फील कि किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल जब उसको पता चलता है कि नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन मैरिंग मी, आई एम जस्ट हियर, ऐसे ही हूँ मैं सिर्फ। हाँ तो एक बहुत ही फ्री में आइए घर में बस। And I'm just doing मतलब मेन्यू बुक किया था, अग्नि चालू थी तो बोला यार कर ले प्लीज, वैसा वाला था। काफी चीजों से साइली इज आल्सो गोइंग थ्रू, एंड इसमें ना ही सचिन का फॉल्ट है ना ही मेरा, ये सब सिचुएशनल है। बिकॉज़ एक्चुअली सिचुएशनल तो दोनों के लिए है ना, दोनों ही प्रिपेयर्ड नहीं थे। Exactly. और दोनों मतलब ऐसा है कि ना चाहते हुए एक दूसरे के साथ बांध दिए गए जबरदस्ती, तो जो इनके आपस में इतने टसल्स चलते रहते हैं वो तो बट नेचुरल है ना। अब निजी जीवन में अगर कोई इंसान समझो साइली सचिन जैसा हो जिनकी ऐसे सिचुएशंस में शादी हुई हो, तो मतलब रोज़ तो बर्तन बजेंगे ही ना घर में, तो बस वही चीज़ साइली सचिन के जीवन में भी हो रही है जो कि आई थिंक बट नेचुरल है। यहाँ पर कितना भी परेश अंकल ट्राई भी करते हैं कि हम दोनों का बॉन्ड अच्छा हो, जो कि आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि वी आर ट्राइंग कि हम साथ में जाए मंदिर या मेरे घर पर, एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जिससे हमारी फाइट होती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जबकि इसका कोई इंटेंशन नहीं होता मुझे हर्ट करने का। बट एक कंक्लूजन साइली अपने मन में रखती है कि ही इज़ अ बैड मैन, गुंडा है, ये नहीं सही है मेरे लिए। एंड जितने भी लोग, मैंने येस्टरडे भी एक सीन किया था किशोर अंकल के साथ भी, तो वहाँ पर भी मुझे मतलब एक ही चीज़ सब बताते कि ही इज़ लाइक अ नारियल, बाहर से ही इज़ वेरी हार्ड एंड दिल का अच्छा है, ही शुड बी यू नो तू रह साथ में समझेगी तो तुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कैसा इंसान है। तो अभी भी शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट एंड बी देयर कि इसके लैंडलॉर्ड को चमाड़ मार के आता है ना सचिन। तो उसके बाद पूरा आज के टेलीकास्ट में लोगों को देखने मिलेगा कि आती है सुनाती है तुम्हारे वजह से आई को नोटिस दे दिया है घर खाली करने के लिए वो, जबकि इसको पता भी नहीं है कि आदमी जो उसके सामने आके मस्त पैक बना रहा है बोल के कि चलना है निकलना है मेरे को मत बोलिए सब, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ गया है, सॉरी भी बोल के आ गया है, हाथ भी पकड़ के सर झुका के माफ़ी मांग के आ गया है, इसकी आई का प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आ गया है, और इससे ये चीज़ पता नहीं होती। इसे इसकी आई बताती है कि अरे सचिन कितना अच्छा आदमी है, सॉरी भी बोल के गया, तो ऐसा है यू नो कि ये देखती है हार्श साइड, सॉफ्ट साइड वो कर चुका होता है साइड में पर इसको बाद में पता चलता है। सो आई थिंक गिल्ट ट्रिप में ही साइली अब थोड़े टाइम के लिए जाने वाली बार बार कि पता चलता है लेटर ऑन कि क्या किया है सचिन। या टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। सो या
नहीं, सचिन तो बोलता है सुन वो सामान भी है वो भी डाल और निकल इधर, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। फिर रूम में मस्त बैठ के गाना वाना सुन रहा होता है, तीन गाने भी ख़त्म नहीं हुए होते, लड़की वापस आ रहती है घर में। तो अब क्या बताना आगे, आप देखो मज़ा आएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी आई मुझे बार बार एक ही बात बोलती है कि ससुराली तेरा घर है, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तू मतलब बॉर्न हो के तेरी डोली उठी है, अर्थी तेरी ससुराल से ही उठनी चाहिए। तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है एक लड़की के लिए कि कहीं से सपोर्ट ना मिले। यू एक्सपेक्ट द लास्ट सपोर्ट इज़ योर फैमिली और योर मॉम, जब मम्मी ही साथ नहीं दे रही है तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक लड़की के लिए, कितना भी स्ट्रांग हो जाए वो लड़की या इंडिपेंडेंट हो जाए कि यार मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि पता है कि मेरे साथ सब सही नहीं जा रहा है। तो वो एक मुझे लगा कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था साइली के लिए। एंड आई कम बैक कि ठीक है, और आई फिर मुझे समझाती और मैंने परेश अंकल की भी बातें सुनी। जब आई बोलती है कि परेश अंकल ने पैसे इसलिए देते ताकि तेरा फ्यूचर संवारे, मतलब बेटर हो। एंड फिर मैं उनसे भी सॉरी बोलती हूँ कि आई एम सॉरी। एंड वापस रूम में कलेश हमारा जो आती In short, चिढ़ाते रहते। बहुत अच्छे सीन्स आपको देखने मिलने वाले हैं आगे। yeah. सही है ना, आई थिंक यही करना चाहिए। कोई भी औरत है, कोई भी वुमेन है, कोई भी लड़की है, अगर आपके साथ आपके मैरिटल हाउस में कुछ गलत हो रहा है या आपके निजी जीवन में कुछ गलत हो रहा है एंड यू फील दैट यू वांट टू टेक अ स्टेप, द फर्स्ट थिंग इज़ कम्युनिकेशन। इफ दैट डजंट वर्क देन यू हैव ऑल द राइट टू मेक अ मूव फॉर योरसेल्फ। क्यों नहीं यार, कोई गलत चीज़ के अंडर क्यों रहे। एंड अगेन आई फील कि हर जगह यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें सपोर्ट करेंगे एंड यू रियली नीड सपोर्ट। जो जब गलत हो रहा है तुम्हारे साथ ससुराल में बोलो या कहीं पे भी बोलो इन द वर्ल्ड, बीट योर वर्क स्पेस और योर दिस मायका हो या ससुराल, कहीं पे भी हो, ऑलवेज स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम सह रहे हो, वो भी गलत ही है कितना हाँ, भी हो जाए। नहीं, नहीं, नहीं। सहना भी बहुत गलत है। मुझे लगता है रिश्तों के बोझ में बंध के हाँ, कोई चीज सह के रहना कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे बॉस, लोग तो वैसे भी बोलेंगे, तुम खुश रहो या तुम ना रहो, लोग तो वैसे भी बोलते ही हैं। और लोग थोड़ी ना तुम्हारा घर चला रहे हैं, लोग थोड़ी ना तुम्हारे घर में आके रह रहे हैं तुम्हारे साथ देखने के लिए कि तुम कितने ठीक हो, क्योंकि वही लोग कहीं नहीं होते हैं जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है लोगों की। सो आई थिंक लड़का हो या लड़की हो, अगर कुछ गलत हो रहा है खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। फैंस के लिए यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो प्लीज़ स्टैंड लीजिए खुद के लिए। एंड हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड साइली और सचिन की जो जर्नी शुरू हुई है, इसमें आगे आपको बहुत सारे मोड, बहुत सारे बेहतरीन एपिसोड्स देखने मिलेंगे। एंड ये हमारी गारंटी है कि कोई कमी नहीं होगी। एब्सोल्युटली सेम हियर, बिकॉज हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं जो भी अभी सीन आ रहे हैं और जो ट्रैक आ रहे हैं आगे लिख के। बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ड्रामा भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ों पे हमारी फाइट हो रही है या फैमिली के सीन्स वैसे आ रहे हैं। तो करने में मज़ा आ रहा है, देखने में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो देखते रहिए उड़ने की आशा अरे सॉरी देखते रहिए उड़ने की आशा रात 9 बजे स्टार प्लस पर। अरे अभी तो 8:45 से भी आ रहा है।